वेलकम बैक नासिर नवाज खब दाइंदा आलू रेलवे ऐं सिविल एविएशन जे वजीर ख्वाजा साद रफीक चवा तो इमरान खान के जिद बैड गवर्नेंस ऐं नाइली सबब कढ़ियो वियो संदस साज़िश वारो वखर हाणे न खपी सघंदो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ख्वाजा साद रफीक चयो तो इमरान खान के एहतजाज करणो है तो भले करे असीं कम करण आया आहियूं कंहिंखां बि इंतकाम न वठंदासीं जंहिं बि ग़लति कमु कयो हूंदो उन ख़िलाफ़ कानून पंहिंजो रस्तो पाण ठाहींदो। ख्वाजा साद रफीक जो चवण हो त नायब के हवाले से सुधारा आना है जिते जिते का खराबी होंगी उनके दुरुस्त करना पवो रेलवे ए पी आई ए के मामलों जो जायजो वी रो आया। रेलवे वे वजीर ख्वाजा साद रफीक ईद के टिन दिहाड़न दौरान रेल जहा भाड़ा 30% घटने जो पिण ऐलान किया है। उसकी ना लायकी ना तजर्बाकारी ना अहली मुंतकम मिजाजी बैड गवर्नेंस और एरोगेंस तकबर इसकी बुनियाद पे निकाला गया है और निकालने का सेहरा इनको मसूफ को 17 अराकीन है जो एलाइज के उनके और 20 जो इनके साथी थे जिन्होंने रिबेल किया इनकी हरकतों से उनके सर है। ये कुल 37 लोग हैं 37 ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं ठेठ और ये सारे नॉन लोग हैं और ये सारे वो लोग हैं जो कई कई बार पाकिस्तान की असेंबलियों में और अदारों में इलेक्ट होते रहे हैं। इनमें से कोई गैर मुल्की नहीं है ये सब पाकिस्तानी हैं। अगर इमरान खान साहब बिहेव करते और सबसे बड़ी जो उन्हें बीमारी लाहक है तकब्बुर की वो ये समझते हैं कि वो अकले कुल हैं और बाकी सारे बेवकूफ़ हैं और आता जाता मसूफ़ को कख नहीं है सिवाय बदजबानी के। तो ये अब भंगड़े डालें ये लुडियाँ डालें ये डांस करें ये जो मर्जी करें इनके मुकद्दर में यही कुछ है। हमने काम करना है एग्जेक्टिव का काम है कि वो मुल्क चलाए अकाउंटेबिलिटी जो है वो अदारों का काम है वो हुकूमत वक्त जो है वो कानून के पैरामीटर में रह के कर सकती है। हम ये नहीं करेंगे कि अगर ख्वाजा साद रफीक को पकड़ना है तो महीना पहले डंडोरा पीटते थे इनके वज़रा ये पकड़ा जाएगा ये पकड़ा जाएगा इन्हें गैप से खबर आती थी या पकड़ा जाएगा। यहाँ ये नहीं होगा कि वज़ीर आज़म हाउस में बजाय मुल्क और कौम की खिदमत करने के लोगों की गिरफ्तारियों का प्रोग्राम बनेगा या वो जो झूठ बोलने वाले तर्जमान थे उनकी मीटिंग्स होती रहेंगी और काम नहीं होगा। हम यहाँ काम के लिए आए हैं लोगों से इंतकाम लेने के लिए नहीं आए। अगर किसी ने खराबी की है अगर किसी ने गड़बड़ की है तो कानून अपना रास्ता खुद ही बनाएगा।